रामायण में आपको रामायण के अलावा और कुछ सूझना नहीं चाहिए इस समय इतनी आपकी एकाग्रता कि कल वाला पाठ आपको पूरा का पूरा याद रहे आज वाला पाठ आपको पूरा का पूरा याद रहे दस दिन बाद पूछें कि दस दिन पहले क्या बताया था आपको पूरा याद रहे तो आपके चित्त की एकाग्रता का अभ्यास हो गया सहज में तो कितनी बढ़िया बात है इधर तो रामायण याद रहेगी उधर चित्त की एकाग्रता का भी अभ्यास हो गया ये अभ्यास फिर दूसरे काम करेंगे तब भी काम आएगा तो ये उपदेश चल रहा है ये प्रसंग हम कल पढ़ रहे थे माता जी कह रही हैं कि उनका न अवमंतव्य उनकी बातों की अवमानना मत करना वहां जा रहे हो तो सीता माता ने क्या कहा कि आप इसकी चिंता ना करें ये उपदेश में पहले भी अपनी माँ से सुन चुकी हूँ और हे आर्या श्रेष्ठ माता जैसा आपने कहा है वैसा ही मैं करूंगी अभिज्ञास्मी यथा भरतु वर्तितव्यम श्रुतम च मैंने वैसा सुना है तो ये प्रसंग चल रहा है अब पीछे के पार्ट से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कुछ पूछना है किसी को ओम दीदी जी प्रणाम जी शास्त्रों में जैसे आस्था रखनी चाहिए तो वो आस्था नहीं बन पाती है मतलब जो हमारा कर्तव्य रहता है आस्था नहीं बन पाती कुछ समय तक हम के साथ उसको करते हैं परंतु आस्था की कमी के कारण फिर हम उसको नहीं कर पाते अच्छी तरह से तो वो आस्था कैसे बनाए रखें? तो आस्था तो बार बार उस काम को करने से ही बनेगी और आपका ये विचार ही बार बार करवाएगा जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना तो ये हमारे अंदर ये विचार आता है कि भई ये काम तो अच्छा है लेकिन हमारे बीच बीच में छूट जाता है तो छूट इसलिए जाता है क्योंकि हमारा इतने वर्षों का अभ्यास हो गया है ना प्रमाद युक्त जीवन जीने का और शास्त्रों में बताया कि प्रमादो मृत्यु हो और हमारे गुरु भी यही बात बताते हैं और प्रमाद फिर दो प्रकार का है एक है सक्रिय प्रमाद एक है निष्क्रिय प्रमाद निष्क्रिय प्रमाद तो वो है कि जब हम काम करना ही नहीं चाहते निठल्ले पड़े रहना चाहते हैं और सक्रिय प्रमाद वो है कि जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं तो जब आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे शास्त्र में आस्था नहीं दिखाएंगे तो कहीं अन्यत्र आस्था दिखाएंगे तो ये आपका सक्रिय प्रमाद है जैसे एक प्रमाद तो ये है कि कक्षा में आना ही नहीं ये निष्क्रिय प्रमाद हो गया कोई भी भाना लगा के कक्षा में नहीं आना और कक्षा में आकर के फिर कक्षा में पढ़ना नहीं ध्यान नहीं अपने चित्त को एकाग्र नहीं करना यह सक्रिय प्रमाद है तो ये विचार ही कि भी प्रमाद अच्छी चीज नहीं है ये ही हमें प्रमाद से मुक्त करेगी तो जब हमें ये पता लगेगा कि शास्त्र तो मेरे काम की चीज है ये औषधि है मेरे जीवन के लिए दवाई है ये मैं तो भूल जाता हूं कि मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए पर जब इसको पढ़ता हूं तो फिर याद आ जाती है कि मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए भगवान के नाते होना चाहिए जैसे कोई पतिव्रता सब काम अपने पति के नाते कर लेती है पूरा जीवन गुजार देती है ऐसे भक्त को कोई भी काम सामने आ गया तो भगवान के नाते करना चाहिए पर यह विचार मुझे कहां से मिलेगा शास्त्र से इसलिए मुझे शास्त्र को एक बहुत अच्छे मित्र की तरह अपने साथ रखना चाहिए एक रक्षा करने वाली माँ की तरह साथ रखना चाहिए एक पालन करने वाले पिता की तरह अपने साथ रखना चाहिए तो ये विचार फिर आप की आस्था पैदा कर देगा ठीक है और किसी काम को आप रोजाना एकाग्र होके करोगे तो फिर वो वो संस्कार भी आपसे करवा देंगे उस काम को तो थोड़े समय के लिए ही ऐसे विचार पूर्वक और प्रयास पूर्वक करना होता है उसके बाद तो फिर अपने आप होने लगता है तो कल पूछा था ना ये इन्होंने धर्मदेव जी ने पूछा था कि स्वभाव कैसे बने तो स्वभाव तो ऐसे ही बनता है ठीक और कोई प्रश्न है किसी का चले आगे चलिए तो सीता माता कह रही हैं न माम सज्जने नार्य समान तुम अर्ति धर्माद्वी चली तुम ना हम मलम चंद्रादि व प्रभा कह रही हैं हे आर्या श्रेष्ठ माता जी माम असज्जन समानयितुम न अर्हति क्योंकि ये उपदेश आपने भी मुझे सुनाया है और मेरी माता जी ने भी सुनाया था जो सीता माता की माता जी थी सुनैना बहुत वात्सल्य वाली महिला थी वो अत्यंत प्रेम करने वाली महिला है देखो इनका इनके वो देखो जैसे महाराजा दशरथ और कौशल्या इन माता पिता में माता कौशल्या ज्यादा समझदार है माने उनके अंदर विवेक का स्तर ज्यादा ऊंचा है और महाराजा दशरथ में श्रद्धा भक्ति और संवेदनशीलता वाला भाव ज्यादा है वो बहुत जल्दी संवेदनशील है ना तो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं जैसे महाराजा दशरथ तो मर ही गए तो पुत्र का भी योग तो कौशल्या का भी हुआ था कौशल्या नहीं मरी लेकिन उन्होंने संभाल के रखा अपने को ऐसे ही सीता माता की जो माता जी है वो भावुक है बहुत ज्यादा प्रेम करती है स्नेह करती हैं लेकिन संवेदनशील बहुत हैं और राजा जनक तो बड़े विवेकी थे तो पुत्री तो दोनों की ही थी ना तो सुनैना तो बीमार पड़ गई थी जब माता सीता गई वन में और महाराजा जनक ने अपने आप को संभाल के रखा तो ऐसे भी होता है किसी किसी के अंदर संवेदनशीलता का भक्ति का बहुत तत्व ज्यादा होता है किसी के अंदर विवेक ज्ञान का ज्यादा होता है अलग अलग होता है तो इनके माता जी ने इनको ये उपदेश दिया था तो अब ये कह रही हैं कि माता जी आप मुझे सज्जन नहीं है जो असत्य असत्याचरण करने वाली हैं, आप मेरे को उनके समान मत समझना समान न आहती धर्माद विचलितुम ना अहम अलम क्योंकि मैं धर्म से विचलित होने वाली नहीं हूं चंद्रादिव प्रभा जैसे चंद्रमा की प्रभा चंद्रमा की ज्योत्सना चंद्रमा से कभी अलग नहीं होती है ऐसे मैं कभी अपने नारी धर्म से अलग नहीं होंगी जो मेरा धर्म है हर हाल में मैं उसका पालन करूंगी अब देखो ये छोटी सी ही बात है लेकिन इसी बात के ऊपर यदि हमारा चित्त एकाग्र हो जाए कि किसी भी हालत में मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा या नहीं होगी तो बस बहुत है इतना उपदेश तो जैसे राष्ट्र भक्तों ने अब उनको कभी फांसी की सजा सुनाई जा रही है कभी उनको खाने की जगह दाल में कंकर डाल के दिए जा रहे हैं प्यास लगती है तो उनके सामने पानी का घड़ा लाते हैं ठंडे ठंडे पानी का और उनके सामने तोड़ देते हैं उसको बोले आपको एक बूंद नहीं मिलेगी तो इतनी सारी यातनाएं और बोले आप किस आजादी की बात करते हैं देगा कौन तुम्हें आजादी वे बोले आजादी मिले या ना मिले लेकिन हम भारत माता की संतान है तो हम अपने कर्तव्य का पालन अंतिम श्वास तक करेंगे तो जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम गद्दारों में नहीं आएगा देशभक्तों में आएगा तो कितनी बड़ी बात है ये कुछ भी हो जाए हमें अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है बहुत बड़ी बात है तो ऐसे सीता माता कह रही हैं कि मैं कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होंगी और ये कह ही नहीं रही हैं इन्होंने अंतिम श्वास तक उसको निभाया जो भी उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई राम के राजा बनने के बावजूद विवाद भी तो उस समय भी उनकी श्री राम के प्रति कभी भी अन्यथा बुद्धि नहीं हुई एक बार भी श्री राम के लिए उन्होंने कोई हल्का शब्द का प्रयोग नहीं किया जीवन के अंतिम क्षणों तक भी नहीं तो व्यक्ति प्रतिकूलता में तो भूल जाता है सारे नाते रिश्ते सारी शिष्टताएं फिर तो कुछ का कुछ बोलने लगता है लेकिन क्योंकि उनके मन में ये दृढ़ विश्वास है तो इसलिए उन्होंने इसको निभाया भी और वो कह भी यही रही हैं कि मैं कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होंगी जैसे कि ज्योत्सना चंद्रमा से अलग नहीं होती है न तंत्री वादते वीणा न चक्रो वर्तते रथ ना पति सुख में या सैदी शता मि दी पिता मिता माता मित सुत अमित हिदाता का न पूजे साहम गता श्रेष्ठा श्रुता धर्म परावरा, आर्ये किम् अवमन्नेऽहं स्त्रीणां भर्ता हि दैवतं सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्याहृदयङ्गमं शुद्धसत्त्वा ममोचाश्रु सहसा दुःखहर्षजम् प्राञ्जलिरभिक्रम्य मध्येति सत्कृतां रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमब्रवीत् अम्बा मा दुखिता भूष्ट्वम पश्यत्वम पितरं मम सुप्तायास्ते गमि शांति नव वर्षाणि पञ्चच सुसीता माता कह रही हैं ना तंत्री वाद्यते वीणा वीणा अतंत्री न वाद्यते बिना तार की जैसे कभी वीणा नहीं बजती है उसमें तार होना चाहिए ना न अचक्रो रथ वर्तते चक्र के बिना रथ गति नहीं कर सकता है उसमें चक्र होना बहुत जरूरी है अपति और पति के बिना स्त्री कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकती है या सदअपी शतात्मजा चाहे वो सैकड़ों पुत्रों की माँ भी क्यों ना हो अर्थात सैकड़ों पुत्र मिलकर के भी वो सुख नहीं दे सकते हैं जो एक पति दे सकता है अब इस बात को आप अपने ऊपर लगा लो आपके सैकड़ों साथी मित्र मिलकर के भी आपको वो गौरव और वो सुख नहीं दिला सकते हैं जो एक गुरु दिला सकता है किसी भक्त को सैकड़ों सुख के साधन भी वो सुख नहीं दिला सकते हैं जो भगवत भक्ति दिला सकती है तो जहां व्यक्ति की एक निष्ठा होगी जहां उसके चित्त को एकाग्र करने का जो साधन है वो उसके लिए सब प्रकार के सुख दिलाने वाला होता है जहां व्यक्ति की अनन्य निष्ठा होगी अनन्य श्रद्धा होगी अनन्य भक्ति होगी अनन्य प्रीति होगी तो बस वो एक तत्व ही उसको सैकड़ों अन्य साधनों से भी ज्यादा सुख दिलाने वाला होता है तो इसलिए हमारे जो गुरुजी के गुरुजी थे श्रद्धे स्वामी सोमानंद जी महाराज वो बोलते थे कि भाई स, हजारों मूर्खों की जय जयकार से विद्वान की फटकार अच्छी विद्वान का मतलब वहां पर धर्मात्मा व्यक्ति कई बार व्यक्ति क्या सोच लेता है बोल जी हम यहाँ गुरुकुल में रहते हैं हमारी इतनी अच्छी बुद्धि है इतनी योग्यताएं हैं इतना हम साधन भजन करते हैं यहाँ कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है कोई किसी को गौरव ही नहीं देता है यहाँ पे और यदि हम जाएं प्रवास पे जाएं संगठन में जाएं जहां से हम आए हैं उसी एरिया में चले जाएं तो लोग हमारी कितनी प्रशंसा करते हैं हमें गुरु जी कह के बुलाते हैं यहाँ तो ढंग से शिष्य जी भी नहीं कहते हैं कोई तो हम इससे अच्छा तो वहां चले जाएंगे तो वो आपके थोड़े दिन तो प्रशंसा करेंगे लेकिन आपके जीवन का विकास वहीं रुक जाएगा और यहाँ यदि आपको ये लग रहा है कि कोई आपको पहचान नहीं रहा है तो ये आपका विचार ठीक नहीं है क्योंकि जितना जितना आपका विकास होगा वो पहचानना ही पड़ेगा जमाने को ऐसा नहीं हो सकता है कि सूर्योदय हो जाए और अंधेरा कहे कि नहीं अभी तो नहीं हुआ सूर्योदय कौन रोक सकता है वो तो प्रकाश होगा ही सूर्योदय होगा तो तो आप इस बात की चिंता छोड़ें कि कोई आपको पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है आप बनते जाएं बस खिलने दें अपने पुष्प को खिलाते जाएं अपनी अंदर की शक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयास साधन करते ही जाएं जमाने की कोई मजाल नहीं है कि वो किसी भक्ति को ना पहचाने पहचानना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल पहचानेंगे और आपको चिंता भी क्या पड़ी है कोई पहचाने ना पहचाने आप तो पहचान रहे हो ना आपका पहचान ना पर्याप्त है और भगवान का पहचान ना पर्याप्त है बस बहुत इतना ही दो पहचान रहे तो ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सैकड़ों पुत्रों से भी सीता माता कह रही है पति का सुख सर्वोपरि होता है ये मैंने सुना है अपनी माता से भी तो जहां हमारी श्रद्धा होती है वो एक ही सुख हमें दिलाने में अन्य सारे सुखों की बजाय सैकड़ों गुना ज्यादा अधिक होता है तो ये कह रही है, मितम ददाती ही पिता पिता भी सुख देता है लेकिन मितम मितम सुखम ददाती, थोड़ा सुख देता है मितम ददाती ही पिता मितम माता मितम सुत ये सब भी सुख देते हैं माता पिता पुत्र पुत्रियां ये सब सुख देते हैं लेकिन इन सब का सुख कैसा है थोड़ा है कम है मितम परिमित है ही क्योंकि इन इन्होंने कहा कि मेरा देवता, मेरा देवता, पति ही है तो इसलिए कह रहे हैं कि पति अमित सुख देता है अब आप देखेंगे संसार में ऐसे भी बहुत सारे पति हैं जो अमित दुख देते हैं शराब पीते हैं पिटाई करते हैं वो बिचारी पूरे घर का काम करती है जैसे तैसे बच्चों का पालन करती है फिर भी झगड़ा होता है तो फिर तो रामायण का वाक्य तो गलत हो जाएगा ना ऐसे उदाहरण देखेंगे तो तो यहाँ पर बात यह नहीं है कि दूसरा व्यक्ति कैसा है जब हमारी किसी के प्रति जो श्रद्धा ऐसी अमित होती है अमित होती है अनन्य होती है तो वो हमारी श्रद्धा हमें अनंत सुख देती है हमारे अंदर जो अनंत श्रद्धा है ना भगवान के प्रति या गुरु के प्रति श्रद्धा तो होती किसी श्रेष्ठ के प्रति है तो वो वो हमारी शद्धा ही हमें वो सारे सुख दे देती है तो किसी ना किसी का तो आश्रय आलंबन व्यक्ति लेगा ही तो ये कह रही हैं अमित से ही दातारम भरतारम कान पूजयित पति का सुख तो अनंत होता है तो इसलिए कौन ऐसे पति की पूजा नहीं करेगी अर्थात सबको करनी चाहिए सव व गता श्रेष्ठ श्रुत धर्म परा धर्म वरा आर्य किम अवमने हम स्त्रीण भर्ता ही दैवतम तो कह रहे हैं स अहम एवं गता श्रेष्ठा तो माता जी मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ श्रुत धर्म परावरा मैं क्योंकि मैं कैसी हूं श्रुत धर्म परा इस धर्म को मैंने सुना है और ये कैसा धर्म है वरा श्रेष्ठ तो पतिव्रता का जो श्रेष्ठ धर्म है उसको मैंने सुना है श्रुत धर्म परा वरा इस श्रेष्ठ परम धर्म को मैंने सुना है आपसे भी सुना है अपनी माँ से भी सुना है तो ये माताओं की या जो सास मां है उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पुत्रियों को या अपने पुत्र वधु को हमेशा धर्म का ही उपदेश दें किसी भी स्थिति में अधर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए तो कभी कभी तो माँ ही अधर्म का उपदेश दे देती हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है आ जाना वहां से रिश्ता तोड़ के तो कभी कभी सासू माँ दे देती हैं वो गलत गलत सिखा देती हैं तो ये इन्होंने कहा सा अहम एवं गता श्रेष्ठ श्रुत धर्म परावरा आर्य किम अवमने हम स्त्रीणाम भरता ही दै, दैवतम तो कह रही हैं ये मैंने जाना है कि महिलाओं के लिए तो उनका पति ही उनका देवता होता है सीताया वचनम श्रुवा कौसल्या हृदयंगम शुद्ध सत्वामोचास सहसा दुख हर्षज सीता के वचन को सुन करके माता कौसल्या ने उनको हृदयंगम कर लिया माने बहुत उनका हृदय इनके वचनों से तृप्त हुआ बड़ा सुखी हुआ उनको बहुत अच्छा लगा सीता की ये बात सुन करके शुद्ध सत्वा मुमोचा अश्रु और वो शुद्ध सत्व वाली माता कौशल्या जो थी उन्होंने अश्रु सहसा दुख हर्ष जम वो तो आंसू गिरा रही थी तो सहसा वो क्या है एक थोड़े क्षण के लिए उन अश्रुओ के दुख को भूल करके और खुश हो गई हर्षित हो गई सहसा दुख हर्षजम उसका दुख जो है वो हर्ष में परिवर्तित हो गया बड़ी खुश हुई माता ये बात सुन प्रांजलि ताजलिम्य मातृ मध्य अति सत्ताम राम परम धर्मात्मा वाक्यम अब्रवीत तो ताम प्रांजलि अभिक्रम्य मातृ मध्य अति सत्कृताम तो इसके बाद श्री राम ने जब देखा कि माता जी का उपदेश पूरा हो गया और सीता ने भी उसको हृदयंगम कर लिया है तो ये इन्होंने हाथ जोड़ करके के और मातृ मध्य अति सत्ताम अभिपरि अभिक्रम्य माताओं में जो सबसे ज्यादा सत्कार के योग्य हैं अर्थात कौशल्या माता वो सबसे बड़ी है ना मातृ मध्य अति सत्कृताम ताम ताम काम कौशल्याम उस कौशल्या को, को प्रांजलि हाथ जोड़ करके अभिक्रम्य उनकी परिक्रमा की क्योंकि इनको जाना है राम परम धर्मात्मा मातरम् वाक्यम अब्रवीत तो उनकी परिक्रमा करके उनको हाथ जोड़ करके श्री राम ने ये वाक्य कहे अम्ब माँ दुखिता भूस्व पश्यम पितरम मम सुप्तायास्ते गति नव वर्षाणी पंच बोले तो माता जी ज्यादा दुखी मत हो हे अम्बा दुखिता माँ भू परेशान मत हो तुम पश्य मां श्य त्वम तुम, तुम ज्यादा परेशान मत हो तुम मम पश्य बल्कि आप मेरे पिता की देखभाल करो तो ये भी सज्जनों के ही लक्षण है नहीं तो वो, ये भी तो कह सकते थे कि सब इनके कारण हुआ है ऐसा नहीं कहा उन्होंने यद्यपि उनको इतना दुख मिला है एकदम केवल बात वनवास की ही नहीं होती है ना शारीरिक कष्ट से भी ज़्यादा इस बात का होता है कि जो इतना ऊंचा कुल था इक्ष्वाकु कुल एक तरह से उसकी इज्जत आबरू मिट्टी में मिल गई मतलब सारे नगर के लोग तमाशा देख रहे हैं और घर में ये क्या हो रहा है पिता रोए जा रहे हैं और राम को वन में जाने के लिए कह दिया जाता है वो भी मुनियों का वेश धारण करके उसकी कोई गलती नहीं थी तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बेज्जती देख करके भी तो दुख लगता है ना लेकिन ऐसे समय में भी धैर्य को धारण करना ये फिर योग की स्थिति है ये योगी का लक्षण है तो श्री राम ने धैर्य को नहीं छोड़ा ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी पढ़ने में ठीक है अच्छा लगता है लेकिन हम थोड़ा भी इसके अंदर गहराई से अनुभव करके देखें कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन हो कि जब कोई व्यक्ति हमारा बहुत ज्यादा अपकार कर रहा है तो उस समय हमारा रिएक्शन क्या होगा कैसा करेंगे हम तो ये श्री राम का रिएक्शन ऐसा है कि आप पिताजी को संभालें मतलब ये अभी भी अपने परिवार को संभालना चाह रहे हैं तो, तो कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अच्छे व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि अब इस समय में इस स्थिति को कैसे संभाला जाए आई जाती है ना ऊंची नीचे स्थितियां तो घरों में भी आ जाती हैं संस्थानों में भी आ जाती हैं समाज में भी आ जाती हैं तो व्यक्ति को भरसक प्रयास ये करना चाहिए अंतिम समय तक कि कैसे इसको ठीक किया जाए नहीं तो फिर अब इकट्ठे होके ग्रुप बना बना करके उसकी चर्चा करने लग जाते हैं और उसमें और कुछ चीजें ऐड कर देते हैं पीछे तक की आज ये घटना हुई ना यहाँ पहले भी ऐसे होता रहता है वो ऐसा होता रहता है तो उसको हम और ज्यादा क्रिटिकल बना देते हैं नेगेटिव चिंतन कर करके और श्रीराम राम उसको न्यूट्रलाइज करने में लगे हुए हैं वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो हम बहुत जल्दी आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे सुप्ताया समझ लो कि ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जैसे आपने आंख बंद की और सवेरा हुआ तो आप ऐसे समझ लो कि आपको रात रात को सोए थे और सुबह फिर वही चीजें मिल जाएंगी तो ये जो नव वर्षाणी पंचचय नौ और पांच चौदह ये चौदह वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे ज्यादा समय नहीं लगेगा हम फिर आ जाएंगे आपके पास तो आप इसको ज्यादा महत्व ना दें इतनी बड़ी समस्या को जैसे कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाना राई का पहाड़ बनाना तो ये तो होता है असज्जनों का और असज्जनों का क्या है? जैसी भी पत्ती को, राई जैसे बनाना तो चौदह साल एक दिन में तो नहीं कट जाएंगे लेकिन ये क्या कह रहे हैं ये तो बस पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे आप चिंता मत करो हे माता जी आप चिंता मत करें आप दुखी ना हो ये चौदह वर्ष तो सुप्तायास्ते गति एक रात में कट जाएंगे जैसे सोने पे रात बहुत जल्दी कट जाती है जल्दी सवेरा हो जाता है ऐसे ही ये चौदह वर्ष तो बहुत जल्दी कट जाएंगे और हम फिर आपके पास आएंगे और तब तक के लिए आप हमारे पूज्य पिता को संभाल करके रखें तो ये सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है और समय भी समाप्त होता है अगला सर्ग हम कल पढ़ेंगे आज यही विराम लेते ओ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः रामका गान करिए राम का गुण करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान करिए राम का गुणगान करिए राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमि रतन धन राम गुण सुमितन धन मनुजता कोरविभूषित मनुजको धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए Om Sri.